प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो या धन की हो या आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात ये है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का ये उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सब तो मेरे अपने ही हैं, मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं, इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं, और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं, इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराए की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसीलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेके गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ, उसे गले से लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन है। अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का न कोई माता होता है न कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वह
हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोच्यान्नव शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है, वो जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाह कर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है, इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर भी रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं, इसीलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है, या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचते रहने से होता है, हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान